हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर इम्तियाज़ और आज आपको इस वीडियो में ईडी मतलब कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में जानकारी दूंगा। बहुत ज़्यादातर लोग इस परेशानी के बारे में अपने डॉक्टर से डिस्कस ही नहीं कर पाते हैं। ईडी मतलब कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्या है कि जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए इरेक्शन का सही टाइम होता है उसको सही से मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, या अगर सादा भाषा में बोलूँ कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब इसके होने की क्या है, इसके होने में स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन एक बहुत बड़ा वजह देखने को मिलती है, या कभी कभी आप कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं उसका भी साइड इफ़ेक्ट होने की वजह से ऐसा देखने को मिल जाता है। ठीक है, कभी कभी डायबिटीज़ या जिन लोगों को हार्ट डिसीज़ है, या जिन लोगों के हाई कोलेस्ट्रॉल रहते हैं, या डिप्रेशन जिन लोगों में रहता है, तो उन लोगों में ये ईडी इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाली प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक ज़रूरी जानकारी दूं कि ये एक टेम्परेरी होती है और ये बहुत बार आसानी से ठीक भी हो जाती है। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसके लिए अपने एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना ना भूलें। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी हर्बल रेमेडीज़ बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं और जिनको आप यूज़ करने से अपनी इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब पहले नंबर पर बात करते हैं जिनसेंग। ये आपको कैप्सूल और पाउडर दोनों फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, और ये ईडी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसकी डोज़ अगर हम देखेंगे तो 600 mg से 1000 mg तक इसको पर डे आप ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात करें ट्रिबुलस हर्ब के बारे में, तो ये सेक्सुअल ड्राइव को भी बढ़ाता है और आप इसको टेबलेट फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, 1 से 2 टेबलेट को आप डेली यूज़ कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं माका रूट। ये हार्मोन को बैलेंस करती है, स्पेशली थायरॉयड ग्लैंड के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये स्टेमिना को, एनर्जी को और सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा तरीके से बढ़ाता है। ठीक है, आप इसको आधा चम्मच ले सकते हैं जूस के साथ, आप इसको बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।